नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की, आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। अजीत जोगी ने अपने 72वें जन्मदिन पर मिशन 7272 के साथ चुनावी शंखनाद किया। रायपुर के साइंस ग्राउंड में आयोजन जेसीसी जे के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में जोगी ने विधानसभा चुनाव में 72 सीट जीतने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अजीत जोगी के साथ विधायक अमित जोगी, आरके राय और सियाराम कौशिक समेत हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। 72 सीट जीतने का संकल्प लेते हुए अजीत जोगी ने कहा कि जोगी तीसरी शक्ति नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति में पहली शक्ति है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की सरकार आने के बाद प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होगी, एक बूंद भी शराब नहीं मिलेगी। बच्ची के जन्म पर 1,00,000 रुपए उसके नाम पर फिक्स करेंगे। साथ ही सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह का पैसा बाहर के खाते में जमा है, रमन सिंह अब रकम सिंह हो गए हैं, विदेशों में जमा पैसा छीन के लाया जाएगा और उसे प्रदेश की जनता में बांटा जाएगा। कोई हिमाचल करे तीन दिन छाती कहे थे, आज के बाद से अजीत जोगी साइंस और मैदान का भाग्य दिखा रहे हैं कि अजीत जोगी तीन दिन छाती नहीं, अजीत जोगी पहली छाती। क्या क्या बताए जर्सी गैया से लेके 2400 रुपया धान का कैसे खाते हैं, यह अमीर धरती है, यहाँ गैया गरीब है। मोर पार्टी भाषा दूर करी राहुल थे भाषण में काटा था, ये रमन सिंह रावत मुख्यमंत्री रमन सिंह नहीं, अब पैसा कमा कमा के रतन सिंह हो गए, इधर पैसा बाहर के खाते में जमा है। अजीत जोगी ने मिशन 7272 के साथ चुनावी शंखनाद कर दिया। इस दौरान उनके लिए भाषण को लेकर अब सियासी गलियारे में नई चर्चा होने लगी है। करीब 1 घंटे तक के भाषण में अजीत जोगी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और रमन सिंह पर ही निशाना साधते दिखे। कांग्रेस का एक बार भी नाम नहीं लिया। कांग्रेस पर वार न करने से अब जोगी के उस बयान की चर्चा होने लगी है जो उन्होंने पार्टी बनाने के बाद कांग्रेस में वापसी को लेकर दिया था कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस को लेकर जोगी के इस रुख के क्या मायने हैं। जोगी का मिशन 7272 रायपुर जोगी के निशाने पर सिर्फ बीजेपी और सीएम रमन सिंह, और अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस पर निशाना ना साधना ये क्या दिखाता है। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, 1 घंटे के भाषण में निशाने पर बीजेपी रही, निशाने पर रमन सिंह रहे, लेकिन कांग्रेस पर जोगी कुछ भी नहीं बोले, इसके क्या संकेत या क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल आशीष, इसके 2 मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि अजीत जोगी ये सोचकर भाषण दे रहे होंगे कि अभी बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में और बीजेपी की सरकार को ही हटाना है, इसलिए टारगेट में पूरी तरह से बीजेपी को रखे और एक सशक्त विपक्ष के जो अगुआ होता है, सशक्त विपक्ष का जो मुखिया होता है, उसकी तरह हम भाषण देते हुए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को टारगेट में रखे, और अगर हम कांग्रेस को टारगेट में रख के कुछ बयानबाजी करते हैं तो इससे हाइप कांग्रेस को ही मिलेगा। दूसरी जो वजह हो सकती है आसिफ, जिस तरह की चर्चाएं और जिस तरह की सुबुगाटे सियासी गलियारे में पिछले दिनों रही है और जो खुद अजीत जोगी ने संकेतों में इस ओर इशारा किया था कि राजनीति में संभावनाएं जो हैं वो हर वक्त तैयार रहती है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद आज का जो भाषण रहा है, क्योंकि आज सबसे बड़ा सम्मेलन रहा है और उसमें जब वो संबोधित कर रहे थे तो ज्यादातर सिर्फ बीजेपी और सीएम डॉक्टर रमन सिंह पे अटैक करना, कांग्रेस के का जो नेतृत्व उस पर अटैक से बचने का एक ये भी सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या अजीत जोगी जो है वो कांग्रेस जो हाईकमान के जो वरिष्ठ नेता है उनसे क्या फिर से चर्चाओं के दौर में शामिल है या उनसे क्या फिर से किसी तरह की बातचीत उनकी हो रही है, तो ऐसी भी चर्चाएं अब सियासी गलियारे में निकलेंगी। हालांकि बीजेपी जो है जरूर निशाना साधेगा, कांग्रेस जो है वो अभी तक चुप्पी साधे हुए है, लेकिन इस सबके बीच जिस तरह के बयान अजीत जोगी के आज आए हैं उनसे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सियासी गलियारों में एक नई चर्चा तो जरूर छिड़ेगी। आशीष, क्या इसके 2 मायने ये भी हैं कि एक तरफ कांग्रेस आलाकमान को ये संकेत देना कि भले ही भूपेश बघेल या प्रदेश का नेतृत्व दावा करता हो कि जोगी की कभी कांग्रेस में वापसी नहीं हो पाएगी, लेकिन सोनिया गांधी या राहुल गांधी के लिए अजीत जोगी के क्या मायने हैं या क्यों खास हैं ये हम सब जानते हैं। क्या आलाकमान को संदेश देना
एक ये मायना हो सकता है, और दूसरा ये कि चुनाव से पहले, चुनाव के बाद गठबंधन या लीड करते हुए कांग्रेस का साथ लेना, जो कि इस बात के भी संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज के भाषण से और जिस तरह से उन्होंने निशाना पूरा बीजेपी पे अपना रखा, उससे इन दोनों बातों को भी बल मिलता है निश्चित तौर पे आसिफ, क्योंकि हमने देखा था कि जब अजीत जोगी ने जिन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और अपनी नई पार्टी बनाई थी, नाराजगी उनकी प्रदेश स्तर के नेताओं से ही थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी है, उनकी बेरुखी रही है, वो आंख मूंदे रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी प्रदेश स्तर के नेता और खासतौर पर भूपेश बघेल से रही थी, और बीच में कोई उस तरह के सुलह के आसार नहीं दिख रहे थे। अजीत जोगी ने अपनी पार्टी बनाई थी और अभी भी बीच बीच में, हालांकि निशाना साधते जरूर है, लेकिन उसमें भी उनकी जो है वो एक बैलेंस करके चलते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ में अब की बार जिस तरह का मुकाबला होने वाला है, अजीत जोगी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इन तीनों पार्टियों के साथ साथ बसपा भी एक दो तीन सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खासतौर पर जो दलित सीटें, यहां से 10 दलित सीटें, यहां पर 10 में से 9 अभी बीजेपी के पास है, और छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि सबसे बड़ा सतनामी चेहरा अजीत जोगी है। पिछली बार इस तरह के भी आरोप अजीत जोगी पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगे थे कि उन्होंने पार्टी में रहकर सतनामी वोट बैंक को लेकर बीजेपी के लिए काम किया था। तो अब की बार जब वो खुद मैदान में है, तो ऐसे में दलित वोट जो है यहाँ पे, या सतनामी वोट जो है, वो बढ़ सकता है और इसका फायदा अजीत जोगी को मिल सकता है। और उसके बाद अगर गठबंधन जैसी नौबत आती है तो क्या वो कांग्रेस की तरफ फिर से मूव कर जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है। और अभी जिस तरह के संकेत आते हैं, उन संकेतों और उस कयासों पे जो है अभी की राजनीति तो यही कर रही है, अभी का जो भाषण अजीत जोगी का वो तो यही कर रहा है कि अभी उनका टारगेट सीधे तौर पे बीजेपी में है, और वो बड़े लेवल पे कांग्रेस को पे निशाना साधने में अभी कहीं ना कहीं बचते हुए नजर दिख रहे हैं, और इसीलिए इसके कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सत्य प्रकाश, एक सवाल जो लगातार इस खबर पर बन रहा है, या जो आंकड़ों पर जो सवाल उठ रहे हैं, वो ये कि 70 का नारा बीजेपी दे रही है, कांग्रेस कोई नारा दे नहीं रही आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन जोगी ने आज 72 का नारा इसलिए दिया क्योंकि अजीत जोगी का जन्मदिन है और वो इतने साल के हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सिर्फ उम्र के हिसाब से ये आंकड़ा सेट किया गया है, या फिर तैयारी दरअसल वाकई मिशन के तौर पर 72 सीटों पर नजर है। अगर उम्र 74, 75, 76 या 80 भी होती तो क्या आंकड़ा उस हिसाब से सेट होता? बिल्कुल, देखिए ये 72 का आंकड़ा इसीलिए रखा गया है क्योंकि अजीत जोगी आज 72 साल के हुए हैं, और आज चूंकि महासम्मेलन था तो इसलिए ये आंकड़ा फिट बैठ रहा था। हालांकि टारगेट 72 काफी मुश्किल है अजीत जोगी की पार्टी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तैयारियां चूंकि नई पार्टी है तो उस हिसाब से हो रही है। देखिए आसिफ, आज उन्होंने एक तुरूप का इक्का चला है अजीत जोगी ने अपने भाषण के दौरान। उन्होंने ये घोषणा की है कि अगर छत्तीसगढ़ में जेसीसीजे की सरकार आती है तो पूर्ण शराबबंदी होगी, एक बूंद भी शराब नहीं मिलेगा। आपको याद होगा इससे पहले नीतीश कुमार ने इस तरह की घोषणा चुनावों से पहले की थी, और उसे एक बड़ी वजह मानी जाती है कि बिहार में अगर जेडीयू की सरकार बनी थी उस दौरान लालू के सहयोग से, लालू यादव की पार्टी के सहयोग से, तो उसकी एक बड़ी वजह थी शराबबंदी की वो घोषणा। अब अजीत जोगी ने तुरूप का इक्का आज खेला है, उन्होंने ये घोषणा की है कि पूर्ण शराबबंदी होगी, तो ये कितना कारगर होगा आने वाले चुनावों में ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि गाहे बगाहे अनौपचारिक तौर पर जब उनसे चर्चा होती है तो ये कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के जो राजनीतिक जिस तरह से उनके नक्शे कदम है उस पर थोड़ा बहुत तो चलने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बड़ा गौर, और ये भी इत्तेफाक ही कहिए कि जिस तरह की राजनीति ये तीनों नेता करते हैं, दो नेता अपने अपने राजनीति में सफल हो चुके हैं, अपने अपने प्रदेशों में जीत दर्ज कर चुके हैं, और छत्तीसगढ़ में यह देखना होगा कि यहां आंकड़े क्या कहते हैं या नतीजे किस तरह के रहते हैं। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस ने 36